तो दोस्तों लास्ट वीक जो है वो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पूरा अपना जो ये रूम है स्टूडियो है जहाँ पे मैं बैठ के एडिटिंग करता हूँ फिल्म करता हूँ यूट्यूब की वीडियोस उसको पूरे का पूरे को रेनोवेट किया था। अगर तुम लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी यहाँ पे क्लिक करो जाके देखो। उस वीडियो के नीचे मुझे बहुत ज्यादा कॉमेंट्स है कि जाजी भाई प्लीज अपना आप रूम टूर करें स्टूडियो टूर करें जो आप पीसी यूज करते हैं इक्विपमेंट यूज करते हैं वीडियोज बनाने के लिए म्यूजिक कौन सा आप यूज करते हैं अपनी वीडियोज में वो सब आप हमें बताएं। तो आज के दिन मैं वो बताने वाला हूँ, रेडी हो जाओ। ओके स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये है एंट्रेंस मेरे रूम की, यहाँ से अंदर आते हैं। ये एक लाइट अटैच की हुई है मैंने यहाँ पे क्योंकि मेरे मुंह पे बहुत अंधेरा था। ये सारा जो है मेरा एडिटिंग स्पेस है, यहाँ पे बैठ के मैं एडिटिंग करता हूँ, म्यूजिक वीडियो शूट जो करके आता हूँ उसको यहाँ पे एडिटिंग करते हैं, व्लॉग की यहाँ पे एडिटिंग होती है, सारा कुछ यहाँ पे होता है एडिटिंग वगैरह सारा कुछ। अगर तुम लोगों ने यहाँ देखा कोई बेड नहीं है, बेड क्यों नहीं है लास्ट व्लॉग अगर तुम लोगों ने नहीं देखा जाके यहाँ पे क्लिक करके जाके देखो तुम लोगों को समझ आ जाएगी कि मेरे रूम में बेड क्यों नहीं है। मैं बहुत एक्चुअली जो बेसिक में बता दूँ वो ये है कि मैं बहुत ज़्यादा सुस्त हो रहा था मैं बहुत ज़्यादा सुस्त हो रहा था और सुस्त होने की वजह ये थी कि जब भी मैं कुछ काम करने आता था या कुछ भी मैं आके बेड के ऊपर लेट जाता था, मैंने कहा घूम करो बेड को, बेड को साइड पे करो, मैं अभी ये मैट्रेस ले आया हूँ अब मैं यहाँ पे सोता हूँ लेकिन कम सोता हूँ क्योंकि नीचे बैठ के वापस उठना बहुत मुश्किल होता है इसलिए मैं चलने लग जाता हूँ। ओके ये जो सामने दिख रहे हैं ये अकूस्टिक पैनल है सारे के सारे। और ये अकूस्टिक पैनल का काम क्या होता है कि जब आप कुछ एडिटिंग कर रहे होते हो और आपको ऑडियो क्लियर सुनाई देना चाहिए, ठीक है, आपको जब आप सुन रहे होते हो आप नहीं ये नहीं है कि डज की आवाज़ है तो छः दफ़ा गूंजे, तो जो ऑडियो आता है जो कि ऑडियो की वेव्स आती हैं वो टकराती हैं दीवारों के साथ, तो ये जो करते हैं ये अब्जॉर्ब कर लेती हैं साउंड को, लगते हैं और अब्जॉर्ब हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो ऑडियो से डिज 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 की आवाज़ आ रही होती है वो पर एक ही डिज की आवाज़ आती है, एक दफ़ा बम फटता है। ये दो काउच मैंने यहाँ पे रखे हैं। ओके इन काउच को रखने का जो मकसद था वो ये था कि यहाँ पे एक शो आने वाला है जो कि मैं और एक स्पेशल गेस्ट हुआ करेंगे हर हफ्ते, आप लोगों में से भी कोई एक हो सकता है, तो यहाँ पे वो शो होने वाला है जो कि इस फ्राइडे को आने वाला है, रेडी रहो। और इसके पीछे एक लाइट मैंने रखी हुई है जो कि सनलाइट को कर रही है कि सनलाइट आ रही है, वैसे सनलाइट आ नहीं रही पीछे से, और ये एसी लगा हुआ है। ओके ये खाना है, ये जो खाना है ये है मेरा बैटरी कंपार्टमेंट, यहाँ पे सारा बैटरीज होती हैं, चार्जर होते हैं, जिस तरह मैं दिखा सकता हूँ कि सारा गंद यहाँ पे पड़ा है, सारी बैटरीज वगैरह पड़ी हैं, तो यहाँ पे ये होता है। सेकंड खाने की तरफ आते हैं, ये कैमरा और लेंस है जो कि मैं म्यूजिक वीडियो के लिए कैमरा, मुझे एक चीज़ मेरे पास तकरीबन कुछ चार कैमराज हैं इस वक्त, चार कैमराज मैं यूज़ कर रहा हूँ इस वक्त, दो कैमराज ब्लॉगिंग के लिए, दो कैमरा म्यूजिक वीडियोज़ के लिए। मैं जो हूँ वो ये सारी चीज़ें बेच कर मैं एक ऐसे कैमरे में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ ना कि जो मेरे ब्लॉगिंग कैमरा भी हो म्यूज़िक वीडियोज़ भी मैं उस पर शूट करूँ और सब कुछ मैं करूँ, और मुझे वो परफेक्ट कैमरा मिल नहीं रहा इसलिए मेरे पास इतने ज़्यादा कैमराज हैं, लेंसेज इतने ज़्यादा हैं, पर अब मैंने ये सारे के सारे बेच देने हैं। ये मेरा जो है कैमराज का इक्विपमेंट का सारा कुछ है, यहाँ पे कैमराज होते हैं, माइक्रोफोन फॉर एग्जांपल लाव लीजिए माइक वो है। नेक्स्ट जो है ये कैमरा है, ये खाली मैंने एक तरह का कहते हैं कि मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि ये काम भी करता है, ये 1940s का कैनन का कैमरा है, बहुत विंटेज कैमरा है, और ये खाली इस तरह सामने पड़ा हुआ है क्योंकि क्यों नहीं पड़ा हो सकता। नीचे आ जाओ, नीचे है ड्रोन की बैटरीज और DJI Ronin SC जो कि हेल्प करता है स्टेबलाइजेशन में म्यूजिक वीडियोज़ वगैरह व्लॉग के लिए, काफ़ी दफ़ा मैंने यूज़ किया। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये है कैमरा कैनन 700D जो मेरा पुराना व्लॉगिंग कैमरा है, इसको उठा के मैं थक जाता था क्योंकि पूरा दिन आप व्लॉग करो उसके बाद आप ऐसे ऐसे करके जाके थक जाता है इंसान, तो ये जो है रिटायर हो चुका है, इसका भी मैंने बेच देना है। और इसके ऊपर लेंस जो लगा हुआ है वो है 10-22mm कैनन का जो कि बहुत वाइड है, बहुत वाइड है। नीचे आ जाओ, ये है डॉक्यूमेंट्स का खाना, डॉक्यूमेंट्स में मेरे पासपोर्ट पड़े हैं, चेकबुक पड़ी है, हर चीज़ पड़ा है, अगर कोई चोर देख रहा है यहाँ पे आके चोरी कर सकता है नहीं। और यहाँ पे पड़ा है तकरीबन मेरे जो जितने फ़ोन्स हैं वो हैं, मेरा फ़ोन ख़राब हो जाता है या उसमें कोई डिफ़ॉल्ट आ जाता है मैं उसको फेंकता नहीं, मैं उसको रख देता हूँ। और मेरे बहुत ज़्यादा फ़ोन यहाँ पे पड़े हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला, ये मेरा पहला आईफोन है, ये मैंने लिया था तकरीबन 2000 पता नहीं कब, जब भी आईफोन 4S आया था 2011 में आईफोन 4S आया था मैंने तब लिया था, और उसके बाद मैंने आईफोन 4, आईफोन 5, iPhone 6, फिर iPhone 7, ये मेरे पास पड़ा हुआ है जेट ब्लैक जो मैंने लिया था, ये भी तकरीबन काम करता है लेकिन इसके जो हेड वो है चार्जिंग पोर्ट है वो ख़राब हो चुकी है, मैंने चेंज नहीं करवाई, बनवाया नहीं है, तो ये इसी तरह पड़ा हुआ है। उसके बाद मैंने बोला आईफोन जो है वो ख़राब होते रहते हैं, फिर मैं स्विच कर दिया एंड्रॉयड पे, और जब से मैं एंड्रॉयड पे आया हूँ ओके और यहाँ पे शर्ट्स हैं, ये शर्ट्स और पैंट का खाना है जो कि गलत है, शर्ट्स पैंट में, पैंट शर्ट्स में, अगर कुछ समझ आ रही है। साइड पे आओ, ये कैमरा बैग है और ये कैमरा सारे मेरे जो कैमरा बैग्स हैं सब कुछ है यहाँ पे, मैं निकालता हूँ यहाँ पे रखता हूँ, इक्विपमेंट लेके जाना होता जानता हूँ व्लॉग के लिए चला जाता हूँ इजी। ये है मेरा रिफ्लेक्टर स्लैश कलर जेल जो भी है लाइट्स के लिए यूज़ करते हैं, लाइट्स की जो एसेसरीज होती हैं वो यहाँ पे है। आगे आ जाएं, ये सारी है लाइट्स जो है मेरी, एक यहाँ पे पड़ी है, दो वहाँ पे लगी हैं, एक ये है तो उठा के यूज़ कर रहा हूँ मैं।
ये जो है ये एक डब्बा है जिसके अंदर सारी ऑडियो केबल्स, गैफ टेप, जो भी ग्रिप के लिए यूज होती है, मतलब सब कुछ होता है, वो ये पड़ा हुआ है। ओके, और ये है मिनियन। और ये मिनियन जो है, मुझे एक्चुअली बहुत शौक है इस तरह की चीज़ें इकट्ठी करने का। जिस तरह ये मैंने एक बच्चे से चोरी की थी गाड़ी, ये वो है, ये भी बच्चे से चोरी की थी गाड़ी। बच्चा एक खेल रहा था, मुझे बहुत अच्छी कहानी आती है, बच्चा रोड पे खेल रहा था, मैंने उसे चोरी कर ली थी, वो बहुत रोया था। मैंने कहा मेरी तो कलेक्शन थोड़ी होगी। तो ये जो मिनियन है, मुझे पारे भाई के भाई ने दिया था, छोटे भाई ने मुझे दिया था गिफ्ट मिनियन। कहते जाजी भाई आप को शौक है तो आप ले लें। मैंने कहा ठीक है, ओ ठीक है, ओके। अभी इस तक जहाज आ रहे, एक मिनट, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। अब ये ना समझना मैं एयरपोर्ट के पास रहता हूँ। ओके, ये जो है मेरे कंप्यूटर चेयर है, जो कि मैंने चेंज की है क्योंकि पहले वाली सख्ती, और काफ़ी लोगों ने मुझे बोला था ये कंफर्टेबल नहीं होने वाली, लेकिन तकरीबन कोई हफ्ते से ज़्यादा हो गए, बहुत कंफर्टेबल है। जो लोग कह रहे थे कि कंफर्टेबल नहीं है, हम यूज़ कर चुके हैं, मेरे लिए कंफर्टेबल है। मेरी हाइट थोड़ी छोटी है, मैं 5'9" हूँ, तो इसलिए। ओके, तो ये जो है ये मेरी LCD है, ये यूज़ मैं करता हूँ हर तरह की चीज़ के लिए, मूवीज़ इस पर देखता हूँ, मैं एडिटिंग इस पर करता हूँ। 1080p डेल की है। मैं बाज़ार गया, मैंने मुझे बोला कि सस्ती सी कोई सी LCD मुझे दिखा दें जो कि 1080p है। उन्होंने कहा यार बहुत अच्छी LCD हमारे पास है, आप उठा लें। मैंने कहा कितने की? कहते 28,000 की। मैंने कहा मुझे दे देंगे, तब से मेरे पास है 27 इंच है। ओके, और ये जो स्पीकर्स हैं, ये एक मैंने बुक है जिसके ऊपर मैं सारा कुछ अपने आइडियाज़ लिखता हूँ। ये यहाँ पे ये जो स्पीकर्स हैं सारे, ये दोनों जो स्पीकर्स हैं ये नॉर्मल क्वालिटी के हैं, लेकिन आप अगर मतलब कुछ आपका ऑडियो स्टूडियो है, आप मिक्स करना चाहते हैं साउंड वगैरह, ये उसके लिए नहीं बने, लेकिन नॉर्मल वीडियो के लिए बने। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में हैं, जो कि म्यूज़िक मिक्स करते हैं, मास्टर है, म्यूज़िक प्रोड्यूसर है। उनमें से एक को मैं ले गया था, मैंने कहा मुझे अच्छे से स्पीकर दिला दो। उसने ये मुझे किया, कहते हैं ये नॉर्मल है आपके लिए, रेंज है 8,000 रुपये के हैं, सस्ते हैं। अगर आप वैसे देखो ऑडियो वाले जो होते हैं वो कुछ 70-80,000 के होते हैं, ये नॉर्मल रेंज के हैं। उसके बाद आ जाते हैं मेरे कीबोर्ड के ऊपर। ये कीबोर्ड डेल का है, मुझे नहीं पता कौन सा मॉडल है, पर डेल का है। फिर आ जाते हैं माउस का। माउस है मेरे पास कंपैटर विंक का। कंपैटर विंक एक कंपनी है जो कि गेमिंग माउस बनाती है, और ये गेमिंग माउस 4 साल से मेरे पास है। तकरीबन को $25 का मैंने लिया था उस टाइम पे, तकरीबन 3,000 का पड़ा था मुझे माउस, अभी तक काम कर रहा है परफेक्ट। और मुझे ये पसंद इसलिए है क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मर लुक है, फुल ऐसे लग रहा है जिस तरह खुला खुला है, अभी तक काम करता है परफेक्ट है। और ये जो मेरा सिस्टम है, ये है कोर i7-3770K, 8 कोर्स है, ये 4 कोर्स है, मुझे नहीं पता 8 कोर्स हैं, और 3.9 GHz है, अगर किसी को ज़्यादा टर्म चाहिए 3.9 GHz है, और 16 GB रैम है, और GTX NVIDIA का GTX 970 ग्राफिक कार्ड है, जो कि 4 GB ग्राफिक कार्ड है, जो कि एडिटिंग के लिए मेरे लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं, गेमिंग के लिए भी PC बहुत अच्छा है। मैंने 2014 में बनवाया था, तब मुझे ये तकरीबन कोई 1,70,000 का पड़ा था। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं YouTube में वीडियोस बनाना, आपको ये ज़रूरत नहीं है। मेरी जो मेन ज़रूरत है, ये मेरी रोज़ी रोटी है, इस पर मैं वीडियो एडिट करता हूँ और म्यूज़िक वीडियो एडिट करता हूँ, तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरी रोज़ी रोटी। अगर आपको कोई फ़ायदा नहीं होना इससे, तो आप लेने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा जो कहते हैं ना लैपटॉप, उससे भी काम चल जाएगा। ओके, और ये जो है ये बेस ट्रैप है। बेस ट्रैप का काम होता है कि जो दीवार के कोने में जो बेस, जो मतलब कि आप सुनते हो की आवाज़ आती है, उसका रोक देता है, उससे ऑडियो इंपॉर्टेंट है। ओके, एडिटिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ, जैसे मैंने दिखाया, Adobe Premiere Pro, और फोटोज़ के लिए जो मैं एडिटिंग के लिए यूज़ करता हूँ वो है Adobe Photoshop, और ये सारे CC वर्जन है, 2019 पेड़ हैं। और मैं Microsoft Word यूज़ करता हूँ टाइपिंग के लिए, अगर कोई आइडियाज़ आ जाए, एक स्क्रिप्ट लिखनी है, म्यूज़िक वीडियो वगैरह सब कुछ, उसके वो यूज़ करता हूँ। ओके, अब चलते हैं YouTube वीडियोस के लिए, कि मैं YouTube वीडियोस के लिए कौन सा कैमरा यूज़ करता हूँ। मैं यूज़ करता था पहले Canon 700D, और अब मैं यूज़ करता हूँ Canon EOS M50, जो कि मैं दिखा देता हूँ। ये है Canon EOS M50, जिसके ऊपर एक माइक्रोफोन लगा हुआ है, जो कि है रोड वीडियो माइक्रो, बेस्ट क्वालिटी है शॉटगन माइक्रोफोन, आई थिंक कोई 13,000 रुपये का बेस्ट माइक्रोफोन है। एडिटिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ, जब मैं व्लॉग बना लेता हूँ इस कैमरे से, मैं एडिट करने के लिए प्रीमियर प्रो में फेंकता हूँ, वहाँ से मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट करने के बाद मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ Zong की डिवाइस, जो कि है Zong Bolt Plus, और जो Zong Bolt Plus है उसका जो मैंने सारे नेट यूज़ किए हैं अभी, जो मेरे लिए फिलहाल अच्छा है, जो कि पोर्टेबल है, मैं कहीं भी लेके जा सकता हूँ, PTCL से तो काफ़ी अच्छा है, दर्जे अच्छा है। अपलोड स्पीड आई थिंक कोई 19 MB है, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है अगर आपने वीडियो अपलोड करनी, क्योंकि मेरी जो वीडियोस होती हैं वो 10 मिनट से ऊपर होती हैं। एक मेरी सबसे लार्जेस्ट वीडियो, जो मैं सबसे बड़ी वीडियो है, वो मेरी कोई 25 मिनट की है या 23 मिनट की, 25-27 मिनट की है, तो वो अपलोड करने के लिए मुझे तकरीबन को 15 GB डेटा चाहिए। मतलब मेरी जो वीडियो एडिट करता हूँ उसका साइज़ 15 GB, कभी 10 GB, 15 GB, 10 GB से कम कभी नहीं हुआ। कभी कभी अगर 5 मिनट की वीडियो हो जाए तो
कम हो जाता है, तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ ज़ोंकी डिवाइस, जो कि मुझे तकरीबन कोई 2 घंटे में वीडियो अपलोड हो जाती है यूट्यूब पे और फेसबुक पे भी, यही सीन है। ओके, ऑडियो मैं कौन सी वेबसाइट से यूज़ करता हूँ? ऑडियो मैं यूज़ करता हूँ epidemicsound.com से। आपको मंथली सब्सक्रिप्शन देनी पड़ती है $15, जो कि पाकिस्तानी को 2300 रुपये बनता है, 2400 बनता है डॉलर की जो प्राइस चल रही है उसके मुताबिक। तो आप उनमें से अनलिमिटेड सॉन्ग यूज़ कर सकते हो, हर टाइप की सॉन्ग्स हैं, बहुत अच्छी वेबसाइट है। मैं वही यूज़ कर रहा हूँ, पहले मैं वो यूज़ नहीं कर सकता था, अब जब मैं करता हूँ तो बहुत अच्छे साउंड्स हैं। ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, कोई एपिडेमिक साउंड ने स्पॉन्सर नहीं की। पहले मैं यूट्यूब से यूज़ करता था, यूट्यूब पे भी काफ़ी रॉयल्टी फ्री म्यूजिक है, पर उसका ये चक्कर होता है कि एक दिन, फॉर एग्जांपल एक महीना, अगर आपने एक वीडियो आपने कोई 3 साल पहले बनाई और वो उस टाइम पे रॉयल्टी फ्री है, मतलब आप आराम से यूज़ कर सकते हो, उसका आर्टिस्ट भी हो रहा है, और अगले साल ही वो बोलता है कि नहीं मेरा म्यूज़िक है, मैं उसको लाइसेंस कर रहा हूँ, एकदम से आपके चैनल के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी। एपिडेमिक साउंड से ऐसा नहीं होने वाला। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि मतलब 2 साल पुरानी है और उसके कोई 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं और मैं उससे पैसे भी कमा रहा हूँ, यार वाह वाह वाह, और एकदम से मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आती है कि जो आर्टिस्ट है जिसका म्यूज़िक आपने यूज़ किया था उस टाइम पे उसने अलाउ कर दिया था, पर अब वो कह रहे हैं नहीं मैं नहीं अलाउ करता, तो आपकी जो वो मेहनत है वो आपकी चली जाएगी। तो इसलिए मैं पेड सर्विस कभी इसमें कोई चक्कर नहीं है कि आपको कॉपीराइट स्ट्राइक है या कुछ है, कि आप पे कर रहे हो उनको गाना यूज़ करने के लिए, तो कोई मसला नहीं है। YouTube में ये खास तौर पे होता है। ओके, अभी मुझे कमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे कि जाजी भाई के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो बहुत अमीर ख़ानदान के हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी चीज़ें मैंने एक दिन में नहीं खरीदी हैं, मुझे कुछ 12 साल या 11 साल का अरसा लगा है। मैंने फिल्म मेकिंग 2009 में शुरू की थी, 2009 से लेके मैंने फर्स्ट कैमरा खरीदा, उसके बाद चीज़ें खरीदी, सीखना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने ये सारा इक्विपमेंट बिल्ड किया। 10 साल 11 साल के अरसे के अंदर एक ही दिन में मैंने ये सब कुछ नहीं खरीद लिया। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने अपने पैसों से खरीदी है, किसी से मैंने 1 रुपया नहीं लिया। शुरू में मैंने अपने घर वालों को बोला कि मुझे पहला कैमरा लेके दो, उसके अलावा मैंने कुछ भी किसी के पैसे से नहीं लिया, सब मेरे अपने पैसों का है और मैं काफी प्राउड हूं इस चीज के लिए। तो अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मैं सभी वीडियोस हफ्ते बनाता हूं, मुझे लाइक कर दो, फेसबुक पे फॉलो कर दो, इंस्टाग्राम पे, और मैं तुमसे मिलता हूं अगले हफ्ते। बेल फिर मेरे यार, बाय।